हमारे पास फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात कंपलसरी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है एंड मैथ्स है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश के एमसीक्यूज है हमारे पास। सबसे पहले सिनोनियम्स, ये है हमारे पास 1 to 20 चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर, ये आपको आएगी 5 मार्क्स की। इसके बाद है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है, चैप्टर 1 है हमारे पास, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, इसी तरह हमारे पास है चैप्टर 4, इसी तरह चैप्टर 5, और इसी तरह आपके पास फर्स्ट ईयर के लेसन में टोटल आपके पास कितने लेसन है, टोटल आपके पास 15 लेसन है, 15 लेसन के सिनोनियम्स हैं, और इसके साथ हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर्स हैं, और इसके साथ हमारे पास 50 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो कि 5 साल पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद हमारे पास उर्दू के एमसीक्यूज हैं, उर्दू के एमसीक्यूज में हिस्सा है नसर है, इसके बाद शेरी इस्तलाहात में काफिया है, रदीफ है, मतला है, मखता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है हमारे पास क्लास 11 लेसन 1 उस्वाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद सेकंड वाली लेसन के हमारे पास 5-5 एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अपनी मदद आप तहत। इसके बाद सर सैयद अहमद खान के हलाको हसाइल, ठीक है, ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेसन के। इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास किसके हैं जी, मरूजी है हमारे पास, किसकी, काफिया है, रदीफ है, मतला है, मखता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इस्लामियात कंपलसरी के, इस्लामियात कंपलसरी में आपके पास टोटल 4 बाप हैं। सबसे पहले बाप अव्वल बुनियादी अकायद, बाप दोइम, बाप सोइम, बाप चहारम, ठीक है। बाप अव्वल के हमारे पास टोटल एमसीक्यूज हैं, देख सकते हैं आप, इस तरह बाप दोइम के हैं, इसी तरह बाप सोइम के हैं, और इसी तरह बाप चहारम के भी हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एफएससी प्री मेडिकल का, प्री इंजीनियरिंग का एंड आईसीएस फिजिक्स का, वो है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स के आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स के आपके पास 1 to 11 टोटल चैप्टर है। इन 11 चैप्टर्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट, हाँ जी, एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। चैप्टर 1 के हर एक चैप्टर के 20-20 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फिजिक्स की बात करूं, ये देख ले, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 3 के हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सप्लियां गेन करने वाला सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के टोटल आपके पास 11 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के तकरीबन 10 या 20 एमसीक्यूज हैं जो कि पास पेपर से बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए गए हैं। ये आ गया केमिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है हमारे पास, चैप्टर 3 है हमारे पास, चैप्टर 4 है हमारे पास, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, ये हम बात करने लगे हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के कम अज कम 20-20 एमसीक्यूज है हमारे पास। चैप्टर 1 है हमारे पास, चैप्टर 2 है हमारे पास, ये देखें चैप्टर 3 है हमारे पास, इसी तरह चैप्टर 4 है, इसी तरह चैप्टर नंबर 5 भी है, ठीक है। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस का मेरा लेक्चर लाजमी देखिएगा, गेस्ट पेपर वाला, उसमें मैंने अच्छे ट्यूटोरियल्स वगैरह की डिस्कशन की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज की। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स की हमारे पास सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये हमारे पास है मैथ्स के टोटल आपके पास 14 चैप्टर, 14 चैप्टर के हर चैप्टर के या तो 10 एमसीक्यूज हैं या 15 या 20, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अवेलेबल है। इस वीडियो को लाजमी देखें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नोट्स कैसे हमसे बाय कर सकते हैं। जी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात कंपलसरी के शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या बताया गया है, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, पोइम्स, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट, मोरल स्टोरीज में आपको दिखाता हूँ साथ साथ, ये देखें। ये है हमारे पास फर्स्ट ईयर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले वाले शॉर्ट स्टोरीज, बटन बटन, क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क,
लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 15 लेसन है तो 15 लेसन के इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लेज, प्लेज के 3 प्लेज हैं, तीनों प्लेज के इंपोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर इंपोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फिर एप्लीकेशन लेटर है। इसके बाद पोइम्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके बाद हमारे पास 1 to 20 पोइम्स के इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है देखें, हां जी रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट है, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारे पास मोरल स्टोरीज हैं, इसके बाद ट्रांसलेशन है, ये हमारे पास कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, पोइम्स, मोरल स्टोरीज, पंक्चुएशन, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास उर्दू, उर्दू की नज़मे हैं, गजलें हैं, खुलासे हैं, मरकजी ख्याल है, ये देखें क्लास 11th हिस्सा नज़म के इंपॉर्टेंट अशार हैं, हिस्सा गजल के इंपॉर्टेंट अशार हैं, सियाक़ो सुबाक हैं, सलीस वगैरह हैं, तशरीह हैं, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ्स भी हैं, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास अहम खुलासे हैं, मरकजी ख्याल हैं, दुरहास्ते हैं, ईच एंड एवरी उर्दू के सिलेबस से रिलेटेड नोट्स हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, वो जिन सब्जेक्ट है, वो है हमारे पास मैथ। मैथ का हमारे पास क्या है, 1 to 14 चैप्टर है, ठीक है। मैथ के ये देखें, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एफ ए के मैथ्स की बात कर रहे हैं, हम आईसीएस के मैथ्स की बात कर रहे हैं, हम एफ एस सी के मैथ्स की बात कर रहे हैं। ओ, कुछ समझ आ रही है लेडीज एंड बॉयज, देखें अब चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसी तरह 1 टू 14 चैप्टर के एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस को निम्न सवालों को और लंबे लंबे सवालों को डिस्कस किया गया है इस वीडियो के अंदर या इस नोट्स के अंदर, ठीक है। यहां पे हमारे पास लास्ट तक है चैप्टर 14 तक, ये देखें चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 14 के ओनली ऑन है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स के है हमारे पास टोटल 11 चैप्टर, ठीक है। टोटल 11 चैप्टर में क्या है, चैप्टर नंबर 1 के देखें बैक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इनर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये होगी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की बात, ये देखें। अब हम आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के बैक शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनर शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, ये देख लें शॉर्ट क्वेश्चंस, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स। कितने आपके टोटल चैप्टर हैं फिजिक्स के, फिजिक्स के टोटल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल्स एंड फीमेल्स, देख के बताएं जरा फिजिक्स के आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं, 1 to 11। हमारे पास नोट्स भी कहां तक हैं, 1 to 11 तक, ये देखें। बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 11 के एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में याद रखें, अगर वो बुक्स के बैक वाले क्वेश्चंस से नहीं कैरी करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो इनर से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैरी करेगा जो कि इस नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। इस नोट्स को अभी मैं लास्ट में बताता हूं कि आपने कैसे बाय करना है और कैसे तैयारी करनी है और इसके लिए कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं, इसके लिए आप अजीम एकेडमी की बुक्स भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप टिप्स भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप सबसे माय फेवरेट बुक ब्रेन अप टू डेट भी यूज कर सकते हैं, इसके अजर वालों के गेस्ट पेपर भी यूज कर सकते हैं, ए प्लस नोट्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास किसकी बात, फिजिक्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सप्लियां गेन करने वाले सब्जेक्ट की, कौन सी है, वो है हमारे पास केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप इन नोट्स से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला यू विल नॉट हैव एनी सप्ली इन एनी सब्जेक्ट। अब देखें चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इन नोट्स में हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर ले यू विल गेन 90 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, देखें शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसी के नीचे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, देख लें। अच्छा ये हो गया, अब कहां तक जा रही है, चैप्टर नंबर 11 तक जा रही है। अब चैप्टर नंबर 11 तक ये देखें, चैप्टर नंबर 11 भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बात होगी डॉक्टर्स की, इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, ठीक है। 1 टू 14 चैप्टर है आपके पास टोटल, ठीक है। ये देखें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, और चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट जिसके हमारे पास जिसका कोई बॉक्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जामिनर के लिए फेवरेट चैप्टर नहीं है, जिसका कोई बॉक्स नहीं होगा। आप देखें चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट में बॉक्स है लेकिन लॉन्ग में बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा अब हम इसके बाद बात करते हैं 1 टू 10 चैप्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का आपने क्या याद करना है, जिसने ICS कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो उसने आगे जाकर BCS करना है तो वो लाजमी नेट से यूट्यूब पे ट्यूटोरियल लाजमी ले वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के। इसके अगर आपको मफीद मशवरे चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग इंजीनियरिंग फील्ड। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की 1 टू 10 चैप्टर्स की। देखें 1 टू 10 चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और यहां पे हमारे पास कितने हैं आगे टोटल 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास टोटल डिस्कशन होगी नोट्स की फर्स्ट ईयर के। अब देखिए अब अगर आपने इन सब नोट्स को अगर हम कलेक्ट करें तो देखें अगर आप इन सारे नोट्स को आप बाय करना चाहते हैं सारे नोट्स, ठीक है, अगर आप इन सारे नोट्स को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पे अपना नाम और अपना एड्रेस लिखिए और 2 दिन में ये सारे के सारे नोट्स आपके घर भेज दिए जाएंगे। और इन नोट्स की जो प्राइस है, इन नोट्स की जिसमें FA है, FSC है, ICS है, जिसको जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो मंगवा ले, 1500 इनकी टोटल प्राइस है, ठीक है। इन नोट्स की जो टोटल प्राइस है वो है हमारे पास 1500। अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं जो यू विल गेन इजीली 90 प्लस मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, दिल लगाकर मेहनत कीजिएगा। और एक और लाजमी बात याद रखें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी इसकी धूम मचा दे।